अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ, थोड़ी बहुत कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार के एपिसोड 31। जो पूजा है वो आहना से बात करती है। आहना इतनी खुशी होती है ये सुन के कि उसकी पनिशमेंट ख़त्म हुई है। वो एकदम से उसे हक करती है और बोलती है फाइनली यार इस चीज़ से छुटकारी मिल गई यार, थैंक यू सो मच। तो एकदम से पूजा जो है उसे थोड़ी सी पीछे होती है, बोलती कि पनिशमेंट मेरी ख़त्म हुई है और खुश तू, यह क्या बात है। तभी आहना बोलती अरे तू जानती नहीं है इसने झंड बना दिया है मेरी ज़िंदगी यार, इतनी ठंड में सुबह सुबह उठ के आना, तुझे कुछ है इल्म है कितनी यार कितनी तकलीफ़ की बातें हैं इतनी ठंड में यार यार ब्लैंकेट से उतरने का मन नहीं करते, और तू बोल रही है कि 1 घंटे पहले अपनी नींद को कुर्बान करके ऑफिस आ जाऊँ, है यार इंसान है या कुछ और। तभी पूजा बोलती कि ठीक है समझ गए, आप इतनी भी वो करने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम कर, चल आज़ाद है तू। तो जो है दोनों काम करने लगते हैं। लंच आवर होते हैं, लंच आवर में एज यूजल मिश्का जो है वो आती है, वो दोनों के साथ बैठ के खा रही थी। तभी रूही है वो आती है और बोलती कि क्या बात है सब खा रहे हैं, कोई मुझे भी बोल लेती तो अच्छी होती, क्यों मेरी खाने का मन नहीं है क्या या फिर मुझे भूख नहीं लगती। वो मिश्का कूर के देखती है रूही को और बोलती है तेरी तबीयत ठीक है आज तू टॉन्ट क्यों मार रही है भाई, हाँ क्या प्रॉब्लम है, अगर तुझे भूख लगी है तो बोल देना, हाँ तू टॉन्ट क्यों मार रही है, सीधा सीधा बोलना कि मैं मिस पूजा के साथ लंच करना चाहती हूँ, तुम थोड़ी सी साइड हटो। तो रूही एकदम से हंसती है और बोलती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ, तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। तभी मिश्का बोलती नहीं नहीं मैं ज़्यादा नहीं, मैं बिल्कुल बढ़िया ही सोच रही हूँ बेटा, बेटा अच्छे से समझ रही हूँ तुम्हारे ना तेवर बदल गए हैं अब, समझ रही हूँ मिस पूजा। तभी पूजा एकदम से वो सर उठा के देखती है मिश्का की तरफ और वो बिना कुछ सोचे समझे बोलती कि देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जैसे ये बोलती तो मिश्का हंसते बोलती कि हाउ स्वीट यार, इतनी क्यूट मत बनो ना वरना मैं नहीं रोक पाऊँगी खुद को। तभी जो है रूही एकदम से बोलती यार क्या बोल रही है मैं नहीं रोक पाऊँगी, वेल मैंने सोची थी कि हम सब मिलके लंच करेंगे लेकिन तुम लोग तो यहाँ पे बैठ गए खाने में, अब ठीक है कोई बात नहीं खा लो मैं चलती हूँ। ये बोल के रूही जो है जाने लगती है। तभी पूजा उठ के खड़ी हो जाती है, बोलती कि नहीं अरे अरे आप जा क्यों रहे हो, आप हमारे यहाँ से खा लो ना। तभी जो है रूही बोलती कि नहीं नहीं कोई बात नहीं इट्स ओके, वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी है, आप लोग खाओ इन्जॉय योर लंच। ये बोल के वो चली जाती है अपने केबिन में, केबिन में जाके वो बैठ जाती है। इधर मिश्का जो है वो पूजा की तरफ देखती है, पूजा को ये लग जाती है कि यार उन्होंने बिना खाए चले गए वो बुरा मान गए क्या। तभी इधर मिश्का देखती है पूजा की फेस में, वो दी आहा हाय कितनी परेशान हो गई, वो अपने जाना ने खाना नहीं क्या है खाया तो ये परेशानी, ओहो हाय ये मोहब्बत हाय ये। तभी एकदम से जो पूजा है वो बोलती कि क्या है, अरे आपकी दोस्त ने खाना नहीं खाया बस इसीलिए थोड़ी सी। तभी मिश्का बोलती कि तो कोई ना तुम जाके खिला दो ना, देखना उसका पेट के साथ साथ उसका मन भी भर जाएगा, जाओ थोड़ी सी खिला दो उसका पेट भर जाएगा। तभी एकदम से पूजा बोलती ठीक है। तभी मिश्का बोलती है मैं तो बस ऐसे ही बोली, तुम तो एकदम से मान गई क्या बात है, मन में यही छुपी थी क्या। तभी वो बोलती है क्या है मिश्का यार प्लीज़ परेशान मत करिए ना। तो मिश्का बोलती ठीक है नहीं करती, जाओ जाओ खिला दो बस ये सच बोली मैंने, उसका सिर्फ पेट ही नहीं मन भी भर जाएगा अगर तुम्हारे हाथ से खाना खाए वो। ये बोल के जो पूजा है वो अपनी प्लेट जो है लेती है क्योंकि उसने दाल चावल लाई थी जो आना की मॉम है वो कुक करके जो है दोनों के लिए वो टिफ़िन पैक कर दी थी। तो
दाल चावल लेके आई थी, तो वो अपनी प्लेट उठाती है और एकदम से जाती है रूही की केबिन में, क्योंकि रूही ने अब जो है पूजा को बोल दी है कि नॉक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जाती है और जाके देखती है, रूही जो है अपनी लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। तो एकदम से जाती है, रूही एक नज़र देखती है पूजा की तरफ, तो वो खड़ी हो जाती है और बोलती, अरे आप खाना बिना खाना खाए आप यहाँ पे क्यों आई हो, अरे अपनी खाना खाओ पहले जाओ। तभी जो है पूजा बोलती, नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तभी रूही बोलती, अरे मिस पूजा मैं बोल तो रही हूँ ना, कुछ मेरी बात सुना करे आप ना जाइए और अपने दोस्तों के साथ बैठ के खा। अरे मैं बस मजाक कर रही थी, मैं बस देखने आई थी आप ठीक हो कि नहीं हो, आपके हाथ में चोट थी ना बस वही देखने गई थी, तो बस आप लोगों ने खाना खा रहे थे तो बस वो बात बोली, बस मजाक में बोली थी। ढूंढ बड़ी वैसे भी मुझे भूख नहीं है, आप जानती हो हमेशा आपके साथ मजाक कर रही है, जाइए आप खाना खाइए। तभी पूजा बोलती, अरे इतनी सब फॉर्मेलिटीज मेंटेन करने की क्या ज़रूरत है, हाँ जब आपकी तरफ से फॉर्मेलिटीज मेंटेन नहीं करती हो तो मैं क्यों करूँ। तभी रूही घूर के देखते बोलती कि फॉर्मेलिटीज मेंटेन मतलब मैं समझी नहीं, तो बोलती कि अरे वो मतलब हम गर्लफ्रेंड है ना आप। तो जैसे ये बोलती है तो रूही की फेस पे स्माइल आ जाती है और बोलती कि ओ हाँ है तो सही। फिर तभी पूजा बोलती, हाँ तो फिर वो हम ओह मतलब ये है कि हम एक साथ खाना नहीं खा सकते है क्या। तो ये रूही हंसती है और बोलती कि ज़रूर खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते, आपको मेरे साथ लंच करनी है। तभी तो पूजा बोलती कि हाँ ना वो करनी है। तभी तो बोलती कि हाँ तो बोलिए, इसमें क्या बड़ी बात है, आइए बैठिए, क्या खानी है आपको, क्या ऑर्डर करूँ। तभी जो पूजा है वो बोलती है, अरे ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो खा रही हूँ ना आप वो खाइए। तभी रूही देखती है, और रूही को ना दाल चावल जो है पसंद नहीं है, वो कभी खाया ही नहीं, वो हमेशा वो होते हैं ना अमीर लोगों की, अमीर अमीर चाहते हैं वो होती है सैलेड वगैरह ये सब खाती है, वो ये सब बहुत ही कम खाती है। तो वो देखती है और एक मतलब होते हैं ना लाचारी वाली नज़रें वो पूजा की तरफ करते, तो पूजा बोलती कि क्या हुआ खाती नहीं हो क्या ये। तभी रूही बोलती कि यार मैंने ना कभी नहीं खाई, मुझे ये सब खाने की आदत नहीं है। सभी जो है एकदम से पूजा बोलती, एक बार खा के देखिए ना प्लीज़, मैं खिला दूँ। जैसे ये बोलती है इधर रूही की मन में तो लड्डू का एकदम से बॉम्ब फोड़ती है, उसका मन मिठास के साथ एकदम से भर जाती है, उसकी फेस पे वो जो करोड़ों वाली स्माइल है ना वो और ज़्यादा खिल जाती है। पूजा ये देख के मन ही मन बोलती कि बाप रे खिलाने के लिए इतनी लंबी हंसी क्या बात है। तभी रूही होती पक्का। तभी जो है इसे पूजा बोलती कि इसमें पक्का वाली क्या बात है, मैं खिला दूँ आपको। तो रूही बोलती कि बाहर ठीक है। तभी ना क्योंकि पूजा जो है उसकी जो केबिन के काउच साइड पे है वहाँ पे वो गई थी, तो एकदम से उठ के आने लगती है। तभी रूही बोलती कि नहीं नहीं आपको उठ के आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पे बैठी है मैं आती हूँ। ये बोल के वो रूही उठती है और उस साइड में जाती है और सीधा पूजा के सामने वो बैठ जाती है। वो काउच के नीचे बैठने वाली थी लेकिन पूजा बोलती है, नहीं नहीं नीचे मत बैठो, आप साइड में बैठो ना, नीचे बैठने की क्या ज़रूरत है। तभी रूही बोलती कि अगर मैं साइड में बैठूंगी आपको खिलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और अगर मैं नीचे बैठूं तो आप परफेक्ट खिला पाओगे मुझे, आपको अपने हाथ को ज़रा ज़्यादा ऊपर नहीं करनी पड़ेगी, इसीलिए तो मैं नीचे बैठती हूँ आप आराम से खिलाइए। जैसे बोलते वो पूजा को इतनी अच्छी लगती है कि रूही हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखती थी कि उसे किस तरह वो कंफर्टेबली कर सकती थी पूजा, ये चीज़ का रूही बहुत अच्छे से ध्यान देती। तो वो काउच के नीचे बैठती है और इधर जो पूजा है
वो आहिस्ता जो है थोड़ी सी वो दाल चावल मिक्स करके वो अपने हाथ में लेती है और एकदम से वो आगे करती है। रूही बड़े प्यार से पूजा को देख रही थी, मनो दुनिया की सारी खुशी उसकी झोली पे जो भगवान ने निजावर कर दी है। वो इतनी सुकून के साथ उसे देखती है, उसके फेस पे वो सुकून वाली स्माइल। तभी पूजा बोलती है, अरे मुझे घूरिए मत, खाइए। तो वो देती है, तभी वो रूही जो है आहिस्ता करके थोड़ी सी आगे आती है और वो जो खाना वो दे रही थी वो एकदम से खाती है। जब वो खाती है ना, ऐसा लगता है कि ये जो ना कुछ अलग ही खाई है। वो इतनी मज़े से वो खा रही थी यम यम करके। तो एकदम से पूजा भी हंसती है और बोलती है, कैसे खा रहे हो आप? तो एकदम से रूही, अरे यार क्या बोलूँ मैं, मस्त है। मतलब मैंने मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। ये खाने का असर है या तुम्हारे हाथ का वो पता नहीं, पर अरे क्या बोलूँ यार, इतनी मज़ा। ओ गॉड। तभी पूजा बोलती है, इतना भी मत करिए, थोड़ा ज़्यादा हो रही है आपकी ओवर एक्टिंग। तभी रूही बोलती है, आई स्वेयर मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, सच में मैंने ना दाल चावल नहीं खाई कभी, आज पहली बार खा रही हूँ, वो भी उस इंसान के हाथ से जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये जो आपने निवाला मुझे दिया है ना, इसमें ना ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की खुशी मेरे झोली में आके गिरी है। इतनी खुशी और इतनी सुकून और इतना टेस्टी है ना कि क्या बोलो, मेरे तो पेट और मन दोनों भर गई है। तभी जो है पूजा बोलती, अरे बस एक निवाले से कुछ नहीं होती, आप रुको मैं खिलाती हूँ। तो वो जो है वो फिर से एक निवाला उसे खिलाती है। रूही बड़े प्यार से देखती है और उसे वो खाने लगती है मज़े में। इधर करीब 3-4 बार खिलाने के बाद एकदम से रूही बोलती कि बस हो गई, अब आप खाइए। तो पूजा बोलती, नहीं और थोड़ी खाइए ना। तो रूही बोलती, अरे बाबा खा ली मैंने, मेरा पेट भर गई है, अब आप खाइए ना। तो बोलती, ठीक है तो फिर मैं अपनी साइड पे जाऊँ। तभी रूही बोलती कि क्यों, आप मेरे सामने खा नहीं सकती? तभी बोलती कि आप पर, तो बोलती कि खाइए ना। तो पूजा जो है वो खाने लगती है। वो चुपचाप अपना खाना खाती है और इधर रूही वो बस आहे भर के पूजा को देख रही थी खाते वक्त। उसे वो वाली सुकून जो है ना इतनी पसंद थी कि वो बस अपनी आहें भरती है पूजा को खाते हुए देख के। इधर पूजा को थोड़ी सी वो होती है कि रूही जिस तरह से उसे घूर के देख रही है, तो थोड़ी सी ऑकवर्ड भी हो रही थी कि ऐसे क्यों देख रही है, खाना ही तो खा रही हूँ। तो ना वो एकदम से खाते खाते एकदम से वो खांसने लगती है। रूही तुरंत ही उठते, रूही का ना बात बाद में होती है, एक्शन पहले होती है जब बात पूजा की होती है, यानी उसकी अननोन की। उस सबसे पहले वो एक्शन कहती है, बाद में वो बात कहती है। जैसे वो खांसने लगती है वो तुरंत उठती है और जाती है अपनी जो है वो टेबल के साइड पे पानी का बोतल लाती है, ओपन करके देती है और अपने हाथों से पूजा को पानी पिला रही थी और एक हाथ से उसकी सर को सहलाने लगता है। वो तो आहिस्ता खाइए यार, क्या इतनी जल्दी क्या है, धीरे धीरे नहीं खा सकती आप, आराम से खाइए। पूजा बस एक टक रूही को देख रही थी। थोड़ी सी पानी पिलाने के बाद वो थोड़ी सी पीछे हो जाती है और होती कि देखिए अगर आप खुद नहीं खा पा रहे हो तो मैं खिला दूं। पूजा घूर के देखती है और होती कि खिला दूं मतलब। तभी रूही बोलती, अरे मैं खिला देती हूँ ना आपको, रुको मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। तो वो जल्दी से उठती है, वो जाती है, वो हैंड वॉश करती है और आती है और वो प्लेट ले लेती है। तभी पूजा बोलती, अरे ऑलरेडी मेरा एक हाथ तो यार खाने के वजह से वो हो गई है, अब आप क्यों अपने हाथ गंदा? तभी एकदम से रूही बोलती, अरे गंदा क्या है, मैं आपको खिलाऊंगी, इसमें गंदे की क्या बात है, क्या बोल रहे हो आप? तो चुप हो जाती। इधर रूही ना वो ना कभी किसी को खाना नहीं खिलाया है,
तो वो ना नहीं ले पा रही थी हाथ में दाल चावल। ये देख के पूजा को बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन वो हंस तो नहीं रही थी, वो कंट्रोल कर रही थी अपनी हंसी को। रूही कोशिश कर रही थी अपने हाथ में वो चाल दाल चावल लेने की, थोड़ी सी अगर हो जाए तो वो लेके पूजा को खिलाएगी, लेकिन वो नहीं ले पाती क्योंकि उसको ये सब आदत नहीं है ना। वो चम्मच से खाना खाती है तो अब हाथ से कैसे क्या करेगी। तभी पूजा बोलती है छोड़िए ना, मुझे दीजिए मैं खा लूँगी। तभी रूही बोलती नहीं नहीं मैं खिला दूँगी ना प्लीज़। अब एक्चुअली वो क्या क्या ना पूजा, मैंने ना कभी किसी को खाना नहीं खिलाया, और तो थोड़ी सी वो हो गई है। मैं कोशिश कर रही हूँ प्लीज़। करीब 4-5 बार कोशिश करने के बाद फाइनली वो थोड़ी सी खाना अपने हाथ में ले निवाला लेती है और एकदम से पूजा को खिलाने लगती है। तो जैसे ही खिलाती है ना, तो वो भी ठीक से नहीं करती, पूजा की एकदम से साइड से वो खाना लगा देती है लिप्स के साइड पे। तो वो एकदम से हम सॉरी वो आपके यहाँ पे लग गई, हम सॉरी। तभी पूजा बोलती कोई बात नहीं, इट्स ओके, रुको मैं आपको खाना खिलाना कैसे खिलाते ये सिखाती हूँ। तो वो ना दिखाती है कि कैसे निवाले को हाथ में लेती है, और रूही बड़े शान से बस पूजा को देख रही थी, और एक जो है निवाला वो अपने हाथ में लेती है और रूही को खिलाती है, और रूही डिट्टो कॉपी करती है पूजा की, और वो निवाला लेके जो है वो देती है पूजा की, पूजा को, और पूजा भी खाती है। तो पूजा बोलती देखा अब हुई ना, तो देखिए थैंक यू, मैंने कभी खिलाए नहीं। तो वो देखिए इसमें खिलाने की क्या मतलब, वो नहीं होती ना कि आपको आनी हो आप किसी को खिलाती हो या नहीं हो, ये बात नहीं है। तभी रूही बोलती खूब छोड़ो जो भी हो, पर आपने खाई तो सही, और आई एम सॉरी आपके यहाँ पे मैंने लगा दी खाना, मैं क्लीन कर देती हूँ। तो ये बोल के वो अपनी पॉकेट से एक रुमाल निकालती है और पूछने लगती है। तभी पूजा बोलती अरे आपने ये क्यों गंदा किया, टिशू थी ना और मैं कर लेती। तो रूही बोलती कि नहीं ऐसे कैसे, मैं कर देती हूँ और कोई बात नहीं। वो जो है कर देती है और फिर से पानी देती है पूजा को, पूजा पानी पीती है और रूही भी पानी पीती है। तभी मिश्का आती है और बोलती है हो गए तुम दोनों का। तो मिश्का देखती है कि रूही के हाथ में खाना लगी हुई है, और वो समझ जाती है कि शायद रूही ने खिलाया होगी या फिर खुद खाई होगी। तो वो बोलती कि तूने हाथ से खाई है चम्मच से नहीं। तभी वो बोलती कि वो मैंने नहीं खाई, वो पूजा ने खिलाई। और तो बोलती अच्छा तो तेरे हाथ क्यों भरे हुए हैं, क्या तूने क्या किया। तभी पूजा बोलती कि वो इसलिए क्योंकि इन्होंने मुझे खाना खिलाया। जैसे ये बात सुनती है मिश्का, वो एकदम से अपने सर में हाथ रखते हैं और बोलती कि हे भगवान, मतलब रूही तू मुझे क्या क्या दिन दिखाएगी यार, पूजा क्या कर दिया तुम सच में बताओ कि ऐसा कौन सा जादू जानती हो तुम, मुझे भी सिखाओ ताकि मैं किसी पे ये ठोट के आजमा सकूँ यार, बताओ तो सही। तभी पूजा बोलती कि क्या बात कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी वो बोलती अरे तुम्हें पता भी है इसको खाना खिलाना नहीं आता यार, अरे मैं एक बार ना मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मुझे इतनी हाई फीवर थी, मैं उठ के पानी तक नहीं पी सकती थी, और ये बंदी इसने मुझे खाना नहीं खिला पाई, इसके तो ग्रैनी थी जो जिन्होंने मुझे खाना खिलाई, ये बंदी नहीं खिला पाई मुझे। तभी पूजा उठ गया तो कोई बात नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है, अगर आप कुछ प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर खिला देंगे क्योंकि अब इनको खाना खिलाने आ गए है ना मैम। तभी रूही जो है वो एकदम से थोड़ी सी वो ब्लश करती है। तो मिश्का बोलती कि आए है ये ब्लशिंग तो देखो ज़रा फेस में इनका, जैसे चांद नज़र आया है आज। हाँ चलो बढ़िया है, सिखाते रहो ऐसे नायाब चीज़ें और हमें शौक करते रहो और क्या, ऐसी बोलती है। तो वो बोलती कि अरे यार क्या है। तभी रूही बोलती है नहीं वो मैं कॉफ़ी का बोल के आया हूँ, कुछ देर बाद कॉफ़ी आ जाएगी, अब अगर तुम दोनों का हो गया हो तो जाके हाथ धो लो। तो जो है दोनों ही उठते हैं,
तो जाते हैं बेसिन साइड में, वो हैंड वॉश करती है तो पूजा भी करती है, तो आती है, तब तक कॉफ़ी भी आ चुके थे। तो रूही जो है अपना कॉफ़ी लेती है और इधर पूजा जो है वो बोलती है ठीक है मैं जाती हूँ। वो जाने लगती है तभी उसको तुरंत ना वो बात एकदम सिपिन करती है कि रूही ने जो है जल्दबाजी में जिस तरह से कॉफ़ी पी थी तो उसके होंठ जल गए थे। तो वो एकदम से रुक के बोलती है कॉफ़ी पी रही हो तो ध्यान से पीना कहीं फिर से ना जल जाए, ये बोल के वो तुरंत निकल जाती है। इधर मिश्का घूर के देखते बोलती है क्या जल जाए, समझी नहीं मैं रूही क्या हुआ। तभी रूही हंसती है और बोलती है कुछ नहीं, तू क्यों हर बात पे ध्यान देती है यार, अपना काम कर ना। तो मिश्का होती है हाँ यार ठीक है, अब क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है बेटा, हाँ ठीक है मैं जाती हूँ अपनी कैबिन में। तो चली जाती है और काम करने लगती है। इधर काम करते करते करीब शाम हो गई थी, ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गई थी। अब ऑफिस के टाइम के साथ साथ अब रूही और पूजा की टाइम स्टार्ट हो जाती है। इधर मिश्का आती है रूही के पास और बोलती है कि जनाब आज क्या ख्याल है, क्या करनी है। तो रूही एक स्माइल पास करती है और बोलती है कि तू घर चली जा मैं आती हूँ टाइम से। तो मिश्का बोलती है कि यार कभी कभी हमें भी अपने अड्डे में ले लो ना, तुम दोनों अकेले अकेले बोर नहीं होते हो क्या, मैं हूँ आना है, साथ में टाइम स्पेंड करते वो वक्त। तभी रूही बोलती है कि प्लीज़ ना, वो वक्त सिर्फ मेरी और उनकी है, प्लीज़ समझ जा। तभी मिश्का हंसते बोलती कि चल कोई ना एंजॉय कर मैं चली, ये बोलती है। उधर जो है आना पूजा से पूछती है अरे आप क्या करनी है, रुकनी है, जानी है, क्या करनी है या फिर क्लब जानी है। तभी वो बोलती है अरे क्लब नहीं जानी है, बताया तो है तुझे सब कुछ, मैं यहाँ पे रुकूंगी, यहाँ से फिर टाइम जैसे ख़त्म होती है मैं आ जाऊंगी, तू चली जा घर। तो जो है आना बोलती है यार मैं रुक जाती हूँ ना। तभी पूजा बोलती कि नहीं ना तू चली जा। तभी मिश्का आती है और बोलती है आना चलो यार तुम्हारा एक ड्यूटी ऑन हो गई है, अब से तुम हर रोज़ मुझे पहले मेरे फ्लैट पे छोड़ोगी और फिर अपने घर जाओगी। तो आना बोलती यार हर मतलब मैं ही क्यों। तो बोलती है क्योंकि हम दोनों ही अब कबाब में हड्डी बन गया ना इसीलिए। तो आना हंसते बोलती ये बात आपने सही बोली, पता है मतलब यार तुम दोनों इस टाइम स्पेंड करते हो तो हम दोनों को भी साथ ले लो ना, हम दोनों भी साथ में रह जाते हैं, इंजॉय करेंगे, फिर साथ में इकट्ठे घर चले जाएंगे। तभी पूजा को दिया अरे तू उनसे बोलो ना, उनको बोलो, मुझे क्यों बोल रही हो, मुझे थोड़ी ना कोई दिक्कत है। तभी मिश्का बोलती कि ना ना आपको दिक्कत नहीं है ना, लेकिन आपके उनको दिक्कत है, वो नहीं चाहती कि जो टाइम आप उनको देते हो वो टाइम आप किसी और के साथ जाया करो, समझ गई ना, तो आपने उनको जाकर टाइम दीजिए ठीक से, गुड नाइट। ये बोल के वो चुपचाप चली जाती है। तो पूजा बोलती है गुड नाइट, अभी कौन सा गुड नाइट हुआ है। तो आना बोलती है रात वाली दे दी है, चल तू घर ठीक से आ जाइयो ठीक है। तो बोलती है हाँ ठीक है सर, तू ध्यान से जाना। तो ये दोनों निकल जाते हैं। इधर जो है रूही किसी को कॉल करती है, कुछ बातें करती है और फिर ना वो एकदम से जो है वो केबिन से निकल जाती है, निकल के वो ऑफिस की टेरेस की तरफ चली जाती है। इधर पूजा जो है वो आना और मिश्का को भाई बोल के वो आती है और आते ही जो है केबिन में एंटर करती है, लेकिन रूही को नहीं देख पाती। तो अरे यही पुतु थी, कहा कि मैम मैम आप हो यहाँ पे। तभी वो बोलती अरे मैम क्यों बोल रही हूँ, अब फिर से चिट पड़ेगी मुझ पर, आई मिस रूही आप हो क्या। तो इधर उधर देखने लगती तो रूही कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही थी। तभी उसके फ़ोन में, पूजा के फ़ोन में एकदम से एक बीप होती है। जैसे ही बीप होती है तो फ़ोन देखती है तो देखती है रूही की मैसेज। वो एकदम से बोलती है कि टेरेस पे आओ। जैसे ही बोलती तो पूजा बोलती है ये शाम को टेरेस में क्यों, इतनी ठंड में टेरे। तभी वो बोलती है आप क्या कर सकते, बुलाया है तो जानी पड़ेगी। तो वो जो है वो उसके कैबिन से निकलते और स्टाफ वगैरह सब कुछ जा चुके थे, रूही और पूजा हमेशा लेट ही निकलते हैं। तो ये लोग जो पूजा है वो जाती है टेरेस पे। शाम हो गई थी, अंधेरा हो गई थी। तो जैसी ही वो टेरेस में जाती तो इतनी अंधेरी थी वहाँ पे और वो
थोड़ी सी अंधेरे से डरती है पूजा। तो वो एकदम से बोलती है, अरे रूही जी, ये इतनी अंधेरा की वक्त प्लीज़ मुझे मुझे अंधेरे से डर लगता है। जैसे ये बोलती है ना, तभी तुरंत ही वहाँ पे एकदम से लाइट ऑन होती है। और लाइट लाइट क्या लाइटिंग थी, एकदम फुल डेकोरेट लगता है वो छत को दुल्हन के रूप में सजाया गया है। कुछ इस तरह से थी वो लाइटिंग। इधर पूजा की आंखें एकदम से चमक उठती है ये लाइटिंग की वो देख के। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल डेकोरेट करी थी रूही ने। जैसे ही पूजा ये देखती है वो शॉक होती है और देखती है सामने रूही खड़ी है। तो रूही एकदम से उसके पास आती है और बोलती है कि हम सॉरी, मुझे पता नहीं थी कि आपको अंधेरे से डर लगता है, मैं आइंदा से इस चीज़ को ध्यान रखूँगी, आई स्वेयर। तभी पूजा बोलती कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, बार बार सॉरी मत बोला करे आप, और ये सब क्या है। तभी रूही बोलती कि वो ये सब आपके लिए। तभी पूजा बोलती मेरे लिए क्यों, मेरा ना कोई बर्थडे है आज और ना ही कुछ और, तो ये सब तामझाम क्यों किया आपने। तभी रूही बोलती कि आपकी खातिर ज़रूरी थोड़ी है कोई स्पेशल दिन होना चाहिए स्पेशल करने के लिए, मन किया तो कर लिया। तो बोलती कि अच्छा। तभी ना रूही उसकी हाथ पकड़ती है और एकदम से साइड में ले जाती है। तो साइड में जब लेती है ना, एकदम बीचों बीच टेरेस के, तो ना ड्रोन होते हैं ना, वो एक कुछ ऐसा इंतज़ाम करते हैं कि ड्रोन तो ड्रोन एकदम से आता है और उनको ने सिस्टमेटिकली वो जो फ्लावर है वो कुछ इंतज़ाम उसने करवाई थी। तो जैसे ड्रोन आते हैं तो उसके ऊपर एकदम से फ्लावर गिरती है, जो रोजेस के जो पंखुड़ी होते हैं वो। पूजा को इतनी अच्छी लगती है फूलों की बारिश, तो वो दोनों अपने बाहें एकदम से वो करती है और फूलों की वो बारिश में खुद को समा लेती है और वो इंजॉय करने लगती है। उसे इतनी अच्छी लगती है, ये खुशी देख के रूही को बहुत सुकून मिलती है। जो पूजा है वो घूम रही थी उस बारिश में और कितनी खुशी थी ना उसके फेस पे, वो स्माइल करता हूँ कि वाह ये कितने सारे हैं, आई लव इट। जैसे ये बोलती है तो रूही एकदम से हंसती है, बोलती कि आई नो, तभी तो किया है, ये जो खुशी है आपके फेस में है इसे देखने के लिए मुझे जो भी करनी होगी मैं करूँगी। थोड़ी बहुत ये होती है, फिर एकदम से वो जब फ्लावर्स का गिरना ख़त्म होती है तो ड्रोन एक साइड पे चली जाती है। इधर जो है पूजा देखती है रूही की तरफ और बोलती है इतनी सब कुछ क्यों। तभी रूही एकदम से आती है और बोलती है बताती हूँ। तो आती है थोड़ी चार कदम और आगे जाती है, जाके वो अपनी दोनों घुटनों में बैठती है। ये देख के पूजा एकदम से बोलती है अरे आपके घुटने में ऑलरेडी क्या कर रही हो, चोट ऑलरेडी है, लग जाएगी आपको, उठो। तभी रूही बोलती कि प्लीज़ जो मैं कर रही हूँ वो मुझे करने दीजिए, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसे हरकतें कभी नहीं की है, लेकिन आज ना दिल से आ रही है ये चीज़, तो करने दीजिए ना प्लीज़। तो पूजा बोलती कि करो, आप जो भी करना चाहती हो करो, लेकिन ऐसे मत बैठो, आपकी घुटनों पे और चोट लग जाएगी, ऑलरेडी है बैंडेज लगाए हुए है। तभी रूही बोलती कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगी मुझे, मैं ठीक हूँ, और आपने लगा दी थी ना दवाई, ठीक हो गई है अब तक। तभी पूजा बोलती कि नहीं ठीक हुई है, मेरे हाथ अभी तक ठीक नहीं हुए, तो आपके चोट कैसे ठीक हो सकती है। तभी रूही बोलती कि हो गई है, मैं बोल रही हूँ ना, मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए, और जो मैं बोल रही हूँ और जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दीजिए ना, अपने हाथ आके दीजिए मेरे हाथों में। तो दोनों हाथ वो एकदम से आगे करती। इधर पूजा बोलती कि क्या कर रही हो, तो पूजा एकदम से बैठने लगती है। तभी ना रूही बोलती कि नहीं नहीं आप मत बैठो प्लीज़, आप ऐसे रहो, मैं कभी नहीं चाहूँगी आप झुक के बैठो मेरे सामने। तभी पूजा बोलती कि क्या बातें बोल रहे हो, क्या हुआ, आप बोलना क्या चाहती हो और क्या है ये सब। तभी रूही बोलती कि अपना हाथ तो दीजिए।
तो पूजा जो है अपनी दोनों हाथ को जो है वो रूही के हाथ में थमाती है। रूही उसकी दोनों हाथ को पकड़ के अपने सर के साथ लगाती है और वो एकदम से थोड़ी सी वो उसकी तरफ़ देखती है। फिर तो पूजा भी उसकी तरफ़ देखती है। फिर रूही बोलती है, आई रियली लव यू। आपको पता है मैंने ना इतनी साल में ये जो एहसास मैंने की है कभी नहीं हुई, तो ये एहसास कराने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं आती मेरी ज़िंदगी में तो मैं इस चीज़ से वाकिफ़ कभी नहीं होती। ये जो फीलिंग है ना जो मुझे आपके साथ आ रही है, आपके पास आने से हो रही है, आपको महसूस कर हो रही है, ये नायाब है। और इसमें ना इतनी सुकून है कि दुनिया की सारी परेशानी को एकदम से जो है मिटाने के लिए काफ़ी है। मेरे लिए आप मेरी ज़िंदगी का वो खुशनसीब पल हो जो मैं कभी खोना नहीं चाहूँगी। बस मेरे साथ हमेशा ऐसे अपनी सादगी बना के रखिएगा। कभी 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 मुझसे दूर जाने की कोशिश मत कीजिए प्लीज़। मैं ना आपकी आपसे जुदाई जो है फोर्ट नहीं कर पाऊँगी। मुझे ना ऐसा लगती है कि अगर आप मेरे नज़रों से उझल हो जाओगी तो मैं शायद ये दुनिया देखना भूल जाऊंगी, क्योंकि मुझे इस दुनिया के साथ साथ आपको देख के जीनी है। पूजा बस एक टक रूही की बात सुन रही थी। वो माहौल इतनी, एक तो वहाँ पे ठंड बहुत थी, ऊपर से रात शाम की वक्त अंधेरा तो हो चुकी थी, तो बहुत शांत जो है वो माहौल थी। इधर रूही अपनी बात पूरी करते हुए और वो फिर बोलती है कि मैंने ना रिश्तेदारी, रिश्ते नाते, मतलब रिश्तों की अहमियत मुझे ये सब आती नहीं है, रिश्ते निभाना मैं नहीं हूँ। मेरे फैमिली इशू बहुत है लेकिन मैं वो नॉर्मली ट्रैवल करती हूँ, ये कोई बड़ी बात है नहीं। पर जैसे जैसे मैं आपसे घुल मिल रही हूँ, आपके साथ बातें कर रही हूँ, मुझे ना एक अलग सी जो एक वाइब्स आती है। मुझे लगता है कि आपको जो है पकड़ के रखने के लिए मुझसे जो भी बन पाएगी मैं सब कुछ करूँगी, सब कुछ जो भी करनी होगी मैं सब कुछ करूँगी। ये चीज़ मेरे अंदर पहले कभी नहीं थी। अगर कोई मेरे सामने रोती है ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ती थी, अरे रोए चाहे जो भी करे उसका मर्जी है, मुझे क्या है। लेकिन मैं आपकी आँखों में आंसू नहीं देख पाती, आपकी आँखों से आंसू गिरती है तो ऐसा लगता है मेरी दिल चीट के जो दर्द बाहर हो रही है, जो मैं सह नहीं पाती हूँ, मुझे इतनी तकलीफ़ होती है। आपकी खुशी से मेरा दिल झूम उठता है। आप बात करते हो तेरे मेरे कान जो है तरस जाते हैं आपकी बात सुनने के लिए, और मेरा दिल जो मेरे काबू में है ही नहीं सिर्फ आपके नाम पे धड़क रही है। मैं बस इतना बोलूँ कि दैट मिस पूजा, आई रियली रियली लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। मुझे प्यार ना निभाने नहीं आती, रिश्ते निभाने नहीं आती, पर बात जब आपकी आती है ना तो मुझे लगता है मैं हर वो चीज़ कर पाऊँगी आपकी खातिर। तभी पूजा बोलती कि बस हो गई ना, आप बोल दिए ना। तभी रूही बोलती कि क्या आप मुझे वो रिप्लाई कर सकोगे जो मैं सुनना चाहती हूँ, जो मेरे कान बेताब है सुनने के लिए। जैसे ये बोलती है तो पूजा जो समझ जाती है, तो वो एकदम से स्माइल पास करती है और वो बैठने वाली थी। तभी रूही बोलती कि नहीं ना प्लीज़ प्लीज़ ये मत करिए। तभी पूजा बोलती कि नहीं, बराबर होनी चाहिए ना। तो वो एकदम से वो बैठती है, जैसे बैठती है तो वो ना फ्लोर पे बैठती है, तो जैसे बैठने लगती है तो एकदम से रूही अपनी दोनों हाथ को
पूजा से छुड़वाती है और एकदम से उसकी घुटनों के नीचे रखती है। तो पूजा बोलती कि क्या कर रही हो, आपको दर्द होगी, हाथ हटाओ यहाँ से। तो बोलती कि नहीं, हाँ आपको आपको लग जाएगी, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही रहूँगी। तभी पूजा बोलती अरे क्या है, हाथ हटाइए आप। बोलती कि नहीं ना। तभी पूजा बोलती ठीक है, उठ जाइए आप। फिर तो वो एकदम से उठती है पहले पूजा, तो रूही अपनी हाथ हटाती है, तो पूजा उसकी हाथ पकड़ के उसको उठाती है और बोलती कि आप फिर उठिए। तो रूही को उठाती है, रूही भी उठ जाती है और बोलती कि हाँ। तभी पूजा ना वो उसकी हाथ पकड़ती है और बोलती कि देखिए मैं ना इस मामले में थोड़ा कच्ची हूँ, मैंने बहुत बार आना से इस बारे में, और वो यकीन मानिए वो मुझे समझा के थक गई कि प्यार में जेंडर मैटर नहीं करता, पर अभी भी मेरे दिमाग में ये चीज़ को लेके कुछ कुछ है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ चीज़ों को क्लियर करने के लिए, लेकिन ये जो फीलिंग आपके साथ आती है ना वो अलग ही है। ये पहली बार महसूस कर किया मैंने, इससे पहले कभी ऐसा फील नहीं हुई किसी के साथ भी। जो फील मैं आपको कर पा रही हूँ, आपके लिए जो फीलिंग आ रही है वो अलग ही है, और कहीं ना कहीं ये फीलिंग मुझे अच्छी लगती है, मुझे सुकून देती है। आप जब मेरी हर छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान रखती हो, मुझे खुश करती हो, खुशी करने के लिए हर वो चीज़ नया करती हो जो आपको कभी आती भी नहीं थी, मुझे अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। आज जिस तरह से मिश्का ने बोला कि आपको खाना खिलाना नहीं आता, आप कभी किसी को खिलाए हो नहीं, तो वो स्पेशल, मैं बहुत स्पेशल फील किया है खुद को कि मैं उतनी ख़ास हूँ आपके लिए। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखिए मुझे आगे का कुछ पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं, पर एक बात तो है दैट आई लव यू टू, आई लव यू टू। जैसे ये बोलती है रूही को इतनी खुशी होती है, वो एकदम से उसे हक कर लेती है, कस के गले लगा लेती है। पूजा भी उसे हक करती है, तो रूही बोलती है आई लव यू टू सो मच। ये दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे करीब 5 मिनट तक। तभी जो है रूही को फील होती है कि जो पूजा है वो उसको ठंड लग रही थी, तो वो उसके हाथ थोड़ी सी श्योर कर रही थी, तो एकदम से पीछे होते हुए बोलती कि आपको ठंड लग रही है, नीचे चले। तभी पूजा बोलती कि नहीं ये लाइटिंग बहुत पसंद आ रही है मुझे, मैं यहाँ पे रुकना चाहती हूँ। तभी रूही बोलती कि बट ठंड है। तो बोलती कि कोई बात नहीं। तभी ना रूही एकदम से अपनी जैकेट उठाती है और एकदम से उसको जो है उसके ऊपर ओढ़ देती है और बोलती कि ठीक है ये पहन लीजिए। तो पहनती है। इधर ये दोनों टेरेस के कॉर्नर साइड पे जो है वो खड़ी हो जाती है। तो एकदम से पूजा बोलती है कि वैसे एक बात पूछूं। तभी रूही बोलती कि हाँ पूछिए ना। तभी बोलती कि नहीं कुछ नहीं छोड़िए। तभी रूही बोलती कि नहीं नहीं पूछिए ना, बोलिए क्या हुआ। तभी पूजा बोलती ये जो आपने एहसास की है मेरे लिए ये कभी नहीं हुआ आपको। तो रूही बोलती नहीं ना कभी नहीं हुआ। देखो मुझे ना, मैं तुम्हें सच बोलूँगी, हमेशा सच बोली हूँ तुम्हारे साथ, एटलीस्ट मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने ना बहुत सारी लड़कियों को डेट किया है। जैसे ये बोलती है तो पूजा घूर के देखती है। इधर रूही को तो वो सब नहीं होता ना, अब वो सच बोल रही है। तो रूही जो है बोलती है कि देखो मैंने ना बहुत सारी लड़कियों को डेट किया है, मतलब डेट मतलब वही जो जो तुम्हारी थॉट थी, मेरी नीड थी या पता नहीं क्या थी, पर मैं बहुत सारी लड़कियों को डेट किया, मैं काउंट नहीं कर सकती, पर कभी वो वाली फीलिंग मुझे नहीं आई किसी के साथ। नॉर्मल थी, मतलब वो हम डेली रेगुलर रूटीन जैसे होते हैं ना कि घर से ऑफिस आओ ऑफिस से घर जाओ, वैसा ही फीलिंग थी मुझे, कुछ वो अलग वाइब्स नहीं मिली थी। लेकिन आपसे मिलने के बाद हर चीज़ अलग हो गई, हर एहसास अलग हो गई। मुझे मुझे आपके करीब जाने की ज़रूरत भी नहीं है,
मैं बस आपको देख के जो सुकून मिलती है ना, वो सुकून मुझे किसी और की चीज़ में या किसी भी चीज़ में नहीं मिली, किसी के साथ भी नहीं मिली, और अब तो ये यकीन है कि नहीं मिलेगी। तो पूजा चुप रहती है, क्योंकि उसने जब बोली थी ना कि देखो अब प्यार का आगाज हो चुका है, तो अपनी प्यार की मुँह से ये बात सुनना कि इतने सारे लड़कियों को डेट की है, थोड़ी सी तो थी हार्टफुल। तो पूजा चुप रहती है, वो कुछ नहीं बोलती, वो एकदम से बोलती ठीक है, समझ गई, ठीक है, अब मुझे ठंड लगी है, मैं जाती हूँ नीचे, आप आ जाइए, ये बोल के वो जाने लगती है। तो रूही को थोड़ी अजीब लगती है, वो एकदम से उसके हाथ पकड़ते और बोलती है क्यों, अभी तो आप रुक रहे थे, अभी क्यों जा रहे हो? तभी वो बोलती है नहीं कुछ नहीं, मैं नीचे जा रही हूँ, ये बोल के पूजा एकदम से नीचे चली जाती है। इधर रूही सोचने लगती है ये क्या बात हुई, अभी अभी तो क्या वो बुरी मान गई किसी बात की, अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया? तो वो सोचने लगती है, सोचते सोचते तभी उसके दिमाग में एकदम से पिन करती है कि इसने वो बात बोल दी। तभी वो अपने सर पे हाथ मारती है और बोलती है कि ओह गॉड यार, मैंने ये कैसे किया, अरे बुरा लग गई, बुरा लगना लाजमी है, अगर वो ये बात बोलेगी तो मैं तो बुरा नहीं, मुझे कुछ और ही हो जाएगी, शिट। तभी ये बोल के वो तुरंत भागती है नीचे की तरफ, जो पूजा है वो जाती है, वो रूही की ही केबिन में जाती है और जाके काउच में बैठ जाती है और अपने हाथ को रब करने लगती है, क्योंकि बहुत ठंडे पर गई थी उसके हाथे, और मन ही मन सोचती है ये कैसा नीट थी, इतने सारे लड़कियों के साथ इन्होंने डेट करी है, मैं क्या समझूँ मेरे लिए जेन्युइन। तभी वो थी नहीं, मैं भी कुछ गलत सोच रही हूँ, ऐसा नहीं है, वो ऐसे ही सोचती रहती। तभी वहाँ पे रूही भी आते और बोलती कि क्या हुआ, मेरी किसी भी बात पे आपको बुरी लगे, आई एम सॉरी। तभी जो है जो पूजा बोलती कि कोई बात नहीं, मुझे किसी भी बात पे बुरी नहीं लगी, इट्स ओके, आइए बैठिए। तो रूही बोलती कि नहीं प्लीज़ ना, आपको बुरी लगी है मेरी कोई भी बात, मुझे पता है आप हर्ट हुई हो, आई एम सॉरी। देखो तो एकदम से ना फिर से जाती है कांच के सामने और फिर से अपनी दो घुटनों पे, दोनों घुटनों के ऊपर ही वो एकदम से बैठ जाती है और अपनी दोनों कान में हाथ रख लेती है और बोलती है देखिए मुझे ना ठीक से सॉरी बोलना भी नहीं आता, प्लीज़ हम मैंने आपको हर्ट कर दिया है तो हम सॉरी, मैं जानबूझ के कुछ नहीं, मैं बस सच बोली हूँ, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती कभी भी, मैं बस चाहती हूँ आप मेरे बारे में हर एक चीज़ जानो, बस इसीलिए बोली मैम सॉरी। तभी जो है पूजा बोलती है अरे आप घुटनों पे क्यों आ जाते हो बार बार, एक तो चोट लगी है वहाँ पे, पहले से उठो, ठीक है आपका सॉरी एक्सेप्ट हो गई है, आप उठिए। तो रूही बोलती है पक्का? तो बोलती है हाँ पक्का बाबा, उठो ना, चोट लगी है आपके घुटनों पे, उठ जाओ। तो उठ जाती है और वो रूही के साथ जाके बैठ जाती है और बोलती कि पूजा के साथ जाके बैठती है और बोलती कि हक कर लूँ क्या, इतनी क्यूट तरीके से बोलती है ना। तो पूजा स्माइल करती है और बोलती कि कर लो, तो एकदम से वो हक करती है, जैसे हक करती है ना तभी वहाँ पे कुछ पावर्स इशू होते हैं तो एकदम से लाइट सारे ऑफ हो जाते हैं। तो जो पूजा है वो इतनी घबरा जाती है, वो इतनी कस के रूही को गले लगाती है, तो रूही की एकदम से आह निकलती है और बोलती आह अरे आहिस्ता, इतनी कस के क्यों गले लगा रहे हो आप? तभी पूजा बोली कि वो मुझे 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 अंधेरे से डर लगती है, ये लाइट ऑफ की हुई, फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करिए ना। तभी रूही बोलती अरे मेरे फ़ोन नहीं है मेरे पास, वो टेबल के है, मैम ठीक है आप छोड़िए मुझे, मैं लाइट ला रही हूँ। तो वो बोलती नहीं 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 आप यहीं पर रहो, मुझे मुझे छोड़ना मत प्लीज़। रूही जो है वो समझ जाती है कि वो डर रही है, तभी वो बोलती आप डरो मत मैं हूँ तो सही। तो बोलती नहीं नहीं वो ना पैनिक हो रही थी पूजा, उसको वाकई में अंधेरे से बहुत डर लगती है। रूही ये समझ के वो बोलती कि बस ना हो गई है, आप इतनी डर क्यों रही हो? तो अब जो है रूही देख रही थी कि उसके हाथ पैर कांपना शुरू हो जाती है, तो वो बोलती अरे इतनी पैनिक मत हो, आप डरो मत मैं हूँ तो सही, ये बोलती। लेकिन पूजा वो समझ नहीं पा रही थी, उसे बहुत घबराहट सी हो रही थी। तभी
रूही ना एकदम से वो उसकी तरफ करती है, अपनी फेस अपनी तरफ करती है, बोलती कि पूजा, मिस पूजा मेरी तरफ देखिए। तो हल्की हल्की सी जो वो होते हैं ना इमरजेंसी, कुछ लाइट वगैरह थे फ्लोर पे, तो वो विंडो से हल्की हल्की सी जो वो रोशनी आ रही थी, जस्ट दोनों दोनों को फेस को ठीक से देख पा रहे थे। तभी वो बोलती कि मेरी तरफ देखिए। तभी पूजा देखती है, तो देखती है कि पूजा डर के मारे उसके आँखों में जो है हल्के हल्के से आंसू भी आ गए थे। तो वो एकदम से उसकी फॉरहेड पे किस करते हैं, बोलती कि बस रोना बंद कीजिए, मैं हूँ ना, जब मैं हूँ आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं होने दूँगी आपको, शांत हो जाइए। ये बोल के उसके फॉरहेड के साथ अपनी फॉरहेड लगाती है, उसको समझाती है कि डरिए मत, मैं हूँ, हमेशा रहूँगी आपके साथ। पूजा थोड़ी थोड़ी शांत होने लगती है, तो इधर रूही जो है वो थोड़ी सी पीछे होती है और एक टक उसकी आँखों में तरफ देखती है। आँखों में देखते देखते उसकी नज़र उसकी लिप्स पे जाती है। पूजा भी देख रही थी रूही को, रूही उसकी लिप्स में देख के थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक वो पीछे हो जाती है। जैसे ही पीछे होती है तो पूजा जो है ये देखती है, तो पूजा को समझ आती है कि कुछ इशू ज़रूर है। तो बोलती कि क्या हुआ बताइए। तो रूही बोलती कि नहीं कुछ नहीं, वो मैं क्या मैं कि, आपको कि, 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 किस नहीं छोड़िए कुछ नहीं। तभी पूजा बोलती कि बोलिए। वो देखिए मैं किस कर सकती हूँ आपको, अगर आपकी मर्जी हो तो। जैसे ये बोलती थी पूजा ना, वो एकदम से उसकी हाथ को रूही के हाथ को कस के पकड़ते हैं, बोलती कि कर सकती हैं। जैसे ये बोलती रूही उसे घूर के देखते, बोलती कि पक्का पक्का ना। तभी वो बोलती कि पक्का। वो आंखें बंद किए हुए थे पूजा, रूही एकदम से वो थोड़ी सी आगे होती है, उसकी फेस से पकड़ती है और उसके लबों पे अपनी लव रख देती है और आहिस्ता से उसकी होठों को चूम लेती है। जैसे ही पूजा उसकी होठों को अपनी होठ में महसूस करती है, वो अपनी हाथ की जो वो कंच है शिकन जो रूही के हाथ को पकड़ रही थी और ज़्यादा कस के पकड़ती है। इधर रूही उसे आहिस्ता आहिस्ता स्लोली सॉफ्ट तरीके से किस कर रही थी। पहले वो अपर लिप को किस करती है, फिर लोअर लिप पे किस करती है, थोड़ा सा स्मूच करती है। तो जैसे जैसे किस कर रही थी पूजा तो मदहोश हो रही थी। वो किस करीब 10 मिनट तक ही होती है, 10 मिनट तक ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। किस ना डीप से डीपर तक जाते हैं, ये दोनों किस में खो जाते हैं। तभी एकदम से लाइट आ जाती है, तो जैसे लाइट आती है तो जो रूही है वो तुरंत पीछे हो जाता है और एकदम से बोलती है आम 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 सॉरी पोपो। तभी पूजा बोलती कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है सब, डोंट वरी। तभी रूही एकदम से फ़ोन की तरफ, ना फ़ोन की तरफ नहीं, मतलब उसके केबिन में जो घड़ी है उसकी तरफ देखती है, तो देखती है करीब 5 मिनट ज़्यादा हो गई है। तो एकदम से उठती और बोलती है वो आपका टाइम हो गई है घर जाने के लिए, उठिए चलिए। पूजा जो है एक टक देखती है रूही की तरफ, वो कुछ नहीं बोलते, बोलती कि ठीक है चलिए। तो आज इतना ही रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए। हमें अपनी दुआओं में कभी कभार याद कर लेना। तो लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।